बेगूसराय के एसपी अचानक पूरे पुलिस जत्था के साथ गांव-गांव में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोई बड़े अपराधी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं या फिर कोई बड़ी वारदात हुई है उसके तहकीकात में जा रहे हैं। जिस तरह से देख सकते हैं गांव में अचानक भारी संख्या में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार पूरी टीम के साथ गांव-गांव के चप्पे में घूम घूम कर आखिर किसे खोज रहे हैं और क्या खोज रहे हैं, चलिए जिसे जानने से पहले आप देख रहे हैं फोबी न्यूज रिपोर्टर दीपक कुमार की खबर, जहां पर देखिए किस तरह से भारी संख्या में एसपी योगेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ पूरे गांव का राउंड लगा रहे हैं और क्या खोज रहे हैं, चलिए सुनते हैं उन्हीं से ही पूरी रिपोर्ट। पूरा गांव का गांव साफ हो जाता है, बच्चा अनाथ हो जाता है। लकवा मिर्गी या हो पागलपन, मांसपेशियां नसों या भूलने की बीमारियां, तो आज ही आए जिले के एकमात्र डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर भवेश कुमार के पास, जहां हो मस्तिष्क रीढ़ एवं नस रोग का बेहतर इलाज। हमारा पता है मां कमकिया न्यूरो सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, महिला कॉलेज के पास, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। अभी हम लोग मटियानी थाना अंतर्गत चकौर गांव में पूरी टीम के साथ हैं। कल यहां पे एक रैकेट पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति अपने घर में नकली शराब ये लोग बना रहे थे, एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी थी। पुलिस की छापेमारी में कल कई बोतल, रैपर्स और लिक्विड सामान, केमिकल्स पुलिस को बरामद हुए हैं। घर जिसका था वो अरेस्ट हो गया है और पूछताछ में पता चला एक गनौरी नाम का एक क्रिमिनल है, ये सारा काम अपनी देखरेख में वही बनवा रहा था। तो अभी हम लोग पूरी टीम के साथ उसके घर पे आए हैं, छापेमारी की गई है, घर से सभी लोग फरार हैं। गांव के लोगों से बात की गई है, उनसे भी काफ़ी जानकारी पता चली हम लोग को। तो शराब के विरुद्ध और अवैध शराब के विरुद्ध लगातार हम लोग की अभियान चल रही है, कार्रवाई हो रही है और आज उसी सिलसिले में मैंने आदेश दिया है कि कल जिस घर से ये सारा सामान मिला है उसको सीज करने का आदेश दे दिया है। उस घर को भी पुलिस अब सीज करेगी और ज़मीन को भी सीज करेगी और इसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं आज उन सभी के घर पर छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तारी का सिलसिला इसमें चालू है। तो हम सभी लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और इसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं उनके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज करने का काम पुलिस कर रही है और इन लोग ने जहाँ जहाँ खेत खरीदा है, घर बनवाया है या जो आर्थिक संपत्ति इन लोग ने बनाई है उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको अटैच करने का काम पुलिस ने शुरू कर दिया है। और सर, अवैध कारोबारियों के खिलाफ सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी हो, पुलिस उसके घर में घुस के छापेमारी करेगी, जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं। और इन्होंने जो भी संपत्ति कमा के चाहे बैंक अकाउंट में रखा हो या खेत खरीदा हो या कुछ भी किया हो वो भी पुलिस पता करके उसको अटैच करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आर्थिक तौर पे तो इनको तोड़ा ही जाएगा, साथ में इनकी गिरफ्तारी करके जेल भेजना, स्पीडी ट्रायल करने का काम भी खास तौर पे शराब माफियाओं पे हम लोग इसमें तेजी ला रहे हैं। सर, किसका किसका घर सील होगा? दिनकर के घर से शराब और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है तो उसको सीज करने का आदेश दे दिया है, वो आज सीज हो जाएगा, उसका जमीन भी सीज होगा, घर भी होगा और इसके यहाँ भी छापेमारी हो रही है, इसका भी सीज होगा।